हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एरे की प्रोग्रामिंग के बारे में। एरे की जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 10th के लिए हो चाहे वो क्लास इंटरमीडिएट के लिए हो। आइए देखते हैं एरे की प्रोग्रामिंग करते कैसे। आज मैं जो प्रोग्रामिंग बताने जा रहा हूँ उसमें मैं बताऊंगा कि एरे में 10 नंबर स्टोर कैसे करते हैं। मतलब जैसे कि आपको वैल्यू इनपुट करनी है तो 10 वैल्यू आप कैसे इनपुट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं, केवल 10 वैल्यू इनपुट करने का तरीका। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक वैल्यू इनपुट करते थे तो प्रिंटर और उसके नीचे फिर स्कैनर एक वैल्यू इनपुट हो जाती थी और एक डेटा टाइप वेरिएबल ए मान लेते थे या बी मान लेते थे कोई भी। अब हम लोग एक ही वेरिएबल से मल्टीपल वैल्यूज कैसे इनपुट करेंगे, आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। सबसे पहले हेडर फाइल लिख दिया हमने और मेन फंक्शन लगा लिया। अब हमने क्या किया, ए फाइव मतलब आपका ए की जो साइज है वो 5, मतलब हम लोग ए में कितनी वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, 5 वैल्यू हम लोग ए में इनपुट करना चाहते हैं। तो आइए इनपुट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट इंटर ए 5 एलिमेंट एलिमेंट हम लोग यहाँ पर इनपुट करना चाह रहे हैं। अब मैंने बताया था इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। अगर हम लोग नॉर्मल वैल्यू इनपुट कर रहे होते तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे स्कैन कर लेते, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे और आई की वैल्यू रखेंगे 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब आइए इसको समझते हैं। आई की वैल्यू 0 क्यों रखा, क्योंकि मैंने बताया कि जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, देखिए 5 एलिमेंट है और 5 एलिमेंट में कितने इंडेक्स बनेगी आपकी, 0 से स्टार्ट होगी इंडेक्स जाएगी 4 तक, मतलब वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी लेस देन 5, मतलब वैल्यू कहां तक जाएगी, 4 तक जाएगी। ये हो गया आपका इंडेक्स। अब इसको स्कैन कर लेते हैं, स्कैनर सेम वही मॉडुलस बी एड्रेस ऑफ ए आई, मतलब ए की वैल्यू जो आई में स्टोर हो रही है, देख सकते हैं ए की जो वैल्यू है वो आई के साथ जा रही है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सीधे प्रिंट प्रिंटर एरे एलिमेंट प्रिंट कर लेंगे ए और ए स्क्रम। इस तरह से क्या हो जाएगा, अगर हम इतनी कंडीशन केवल रन करा देंगे तो हमसे क्या पूछेगा, हमसे वो 10 नंबर हम लोग इसमें इनपुट करा सकते हैं और उसके बाद नंबर्स को अलग जगह पर प्रिंट कर सकते हैं। यहां मैंने नंबर इनपुट कराए इन तीनों लाइनों में, ये होता है इनपुट के लिए एरे में एलिमेंट डालने के लिए, और ये मैंने एरे के एलिमेंट प्रिंट कराया। जो हम लोग ये करेंगे एंटर था एनी 5 एलिमेंट, ये मैसेज प्रिंट होगा तो हम कोई 5 वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं 7, 3, 2, 5, 6 कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। और बाद में वही वैल्यू आपकी अलग से लिख के भी आ जाएंगी क्योंकि हमने उसको प्रिंट किया है, मतलब 7, 3, 2, 5 ये हो गया एरे में हम लोग एलिमेंट कैसे डालते हैं। एरे में कोई भी एलिमेंट डालना है यहाँ पर, जो भी उसको हम 5 कर सकते हैं। अगर मान लिया आपको 10 वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आप 10 कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको मैसेज डाल दिया इंटर एनी 10 एलिमेंट ऑफ 10 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ब्लॉक्स बन जाएंगे और ये कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा इंडेक्स नंबर। ये आप देखिए बहुत आसान मेथड मैंने आपको बता दिया है, इसको आप लोग करके देख लीजिएगा एरे की प्रोग्रामिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।